ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। इलाके के लोग परेशान हैं पीने वाले पानी से, तरस रहे हैं पानी की बूंद बूंद को। जहां पूरे देश को हर तरीके से कोरोना महामारी से बचाने के लिए उपराले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको जिला गुरदासपुर के बटाला के इलाके नेहरू गेट की कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाते हैं जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो प्रशासन कितना अपने शहर को कोरोना मुक्त करने में लगा हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि लगभग 6 महीने से इस गंदे पानी की मार झेल रहे हैं। उनके घर पीने वाला पानी जो आता है वह बहुत ही गंदा आता है और बार बार शिकायत करने पर भी किसी भी अधिकारी द्वारा हमारी इस समस्या को दूर नहीं किया गया। कोरोना जैसी महामारी में अगर ऐसा पानी पिया जाएगा तो हम कितने तंदुरुस्त रहेंगे। हमारे बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत देने पर भी किसी भी अधिकारी द्वारा इस इलाके की पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया। पानी इतना गंदा आता है कि इस गर्मी के मौसम में जहां पानी हर व्यक्ति हर जीव की ज़रूरत है, उसमें इतनी गंदगी होने के कारण हम पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं। किसी भी अधिकारी द्वारा हमारी समस्या का हल नहीं किया गया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। इतने पानी की इन्नी समस्या, पानी इन्ना गंदा आ रहा, गारे वर्गा पानी आ रहा। इतों के पानी पी के सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये सारे बजुर्ग बीमार हो जाएंगे। अगे करोना का दौर चल रहा, तो जे ये पानी पी के तो बचणगे, कभी भी नहीं बच सकते। इस करके प्रशासन अगे बेनती है कि यू इस वार्ड में इस महल में वेख्या जाए, आ के ना इतने लाइट है। इतने किन्नी बारी चोरियां हो चुकी हैं। मेरे लगे एक मुंडा खड़ा, अजे हफ्ता होया इहदे घर चोरी हो चुकी है। ये हो गए जे पानी जो स्मैल आती जे, सारा पानी सारे महल में जाता जे, उतों लीक करता जे, जिते उपर कूड़ा लगता जे, थले पानी लीक हो दिया। कोई साड़ी सुनवाई नहीं हैगी। जदों नूं कहो एम सी नूं तो कहिंदे कोई गल नहीं, विखा लांगे, आउंदा नहीं कोई। किन्नी बारी वो आ सका महल च, पर उन्हें अजे तक।